नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्थिति। झांसी में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि झांसी जिले की चिरण गांव थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त करते हुए वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को मुराठा मोड़ के पास बाइक सवार आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर तुरंत पुलिस ने अपने बचाव करते हुए जवाबी कार्रवाई की। वहीं बाद में पुलिस ने किसी तरह दो बदमाशों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से तमंचा कारतूस बरामद किए गए, साथ ही दोनों को थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई। वहीं एसीपी ग्रामीण नेपाल सिंह ने बताया कि पूछताछ में उन्होंने अपना नाम अनिल रायकवार निवासी मोहल्ला नानकगंज थाना सीपरी बाजार, दीपक अहिरवार निवासी पाडरी थाना सीपरी बाजार बताया है। इसके अलावा पुलिस ने पूछताछ करते हुए पकड़े गए दोनों बदमाशों की निशानदेही पर तीसरा बदमाश भी गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम राहुल रायकवार निवासी पाठकपुरा उरई बताया। इसके अलावा पुलिस ने निशानदेही पर 7 दोपहिया वाहन को भी बरामद किया है। आप लोग साथ अवगत होंगे कि जनपद झांसी के अंदर एसएसपी सर के निर्देशन में अपराधी हैं और अपराधों के कृत्य के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। जगह पर चिरगांव पुलिस द्वारा बराड़ा चौक के पास मोड़ के पास चेकिंग की जा रही थी और उनकी सूचना थी बदमाश मोटरसाइकिल से इधर आ रहे हैं और ये हो सकते हैं बदमाश हैं, उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की हों। इस पर पुलिस चेकिंग करने लगी। पुलिस ने जैसे पास में मतलब हिरासत में लिया तो उनसे 3 लोग मिले, इनके नाम हैं अनिल रायकवार, दीपक और राहुल। इनसे जानकारी इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया इनके पास से 7 मोटरसाइकिल बरामद हुई और दो तमंचा मिला है और कारतूस मिले। तो इसमें 3 मोटरसाइकिल वो हैं कि जो हमारे चिरगांव से और प्रेम नगर से चोरी की गई हैं और 4 मोटरसाइकिल तलाश कर रहे हैं अपराधी कितने अच्छा है इनका और भी जानकारी की जा रही है। इसके बाद हाँ, ये एक्चुअली चोरी करते हैं मोटरसाइकिलों की, लेकिन तरीका इनका थोड़ा अलग है कि अगर ये लोगों को ये ले जाते हैं कि हम आपको ये चीज़ लाएंगे और कहते हैं हमें वहाँ के लिफ्ट दे दीजिएगा, ये लिफ्ट देते हैं उसे बांध कर भेज देते हैं, उसका मोटरसाइकिल छीन ले जाते हैं। ये टप्पाबाजी कहें इसको, लेकिन चोरी है प्लेनली। और 3 अपराधी पकड़ेंगे, इसमें 3 के पास अच्छा अपराधी की इतिहास है और 2 तमंचा है और 7 मोटरसाइकिल है और 3 मोटरसाइकिल का मुकदमा लिखा है, 4 की तलाश की जा रही है। वो अच्छा काम है, बधाई के पात्र हैं कोतवाल साहब उनकी टीम। अपने शहर की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स पर।